डीसी और पीजीडीसी फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत एक्सेस सब्जेक्ट में यूनिट टू के अंतर्गत यहाँ पर सबसे पहले तो प्रैक्टिकल वाला दो क्वेश्चन है वो प्रैक्टिकल वाला प्रैक्टिकल वाला क्वेश्चन का मतलब कि एक्सेस में टेबल कैसे क्रिएट करते तो अगर आपने प्रैक्टिकली एम एस एक्सेस के अंतर्गत टेबल क्रिएट करके देखा है तो आपको जानकारी होगी कौन कौन से स्टेप को आपको फॉलो करना है दूसरा किसी रिकॉर्ड को टेबल में कैसे एड डिलीट और एडिट करना है इसको बताइए अब ये भी प्रैक्टिकल से रिलेटेड सब्जेक्ट है ये जो टॉपिक है अब इन दोनों टॉपिक को क्या

टेबल में डेटा को या रिकॉर्ड को ऐड और डिलीट और एडिट किया जाता है किस प्रकार से उसमें आप क्वेरी क्रिएट कर सकते हो ये सारी चीज उसके अंतर्गत बताई गई है तो आप प्रैक्टिकल वाला जितना टॉपिक है वो सारे के सारे प्रैक्टिकल वाले टॉपिक उस वीडियो में आप समझ सकते हैं आपको करना क्या होगा प्रैक्टिकली जो चीज बताई गई है उसको समझ लो कैसे कि भाई स्टेप बाई स्टेप की टेबल क्रिएट करना है तो कौन कौन से स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं उन्हीं स्टेप को आपको एग्जाम में लिख के आना है कि भाई किस ऑप्शन में जाते हैं कैसे जाते हैं और कहां से इसको ओपन करते हैं उसी

सबसे पहले बात कर लेते वैलिडेशन रूल ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ठीक है सबसे पहले बात कर लेते हैं वैलिडेशन 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 रूल 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 के बारे में में क्या होता है का प्रयोग आप टेबल फॉर्म इत्यादि आने वाले इनपुट को वैलिडेट करने या फिर वो सही है या नहीं ये जांचने के लिए कर सकते हैं बोलते वैलिडिटी किसी की चेक करना है कि क्या वो सही है या नहीं है उसके लिए वैलिडेशन रूल यहां पर लगाया जाता है एग्जाम्पल दिया गया उससे समझ लेते हैं जैसे आपको टेबल में एक कॉलम है जिसमें किसी प्रोडक्ट के नाम और उसका मूल्य लिखा है अब आप सोचिए कि क्या किसी बाजार में बिकने वाली सामान का मूल्य ऋणात्मक या निगेटिव हो सकता है बिल्कुल नहीं हो सकता है तो यहां पर वैलिडेशन रूल की मदद से यह शर्त लगाई जा सकती है कि उस कॉलम के सभी बॉक्स में आने वाली संख्या निगेटिव ना हो आप यहां पर एक डायग्राम ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसमें आप देख पा रहे हो यहाँ पर प्रोडक्ट प्राइस करेंसी लिखा हुआ है और नीचे आप देखोगे वैलिडेशन रूल इज इक्वल टू इसके अंतर्गत क्या लिखा है भाई वैलिडेशन रूल क्या हो ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो हो ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो मतलब हमेशा उस प्रोडक्ट की वैल्यू जीरो समझ सकते हैं कि वैलिडेशन रूल और वैलिडेशन टेक्स्ट कैसे काम करता है वैलिडेशन रूल प्रॉपर्टी जैसे ये दिया गया नॉट इक्वल टू जीरो कभी भी शून्य नहीं होनी चाहिए तो उसके लिए ये वाला साइन आता है ग्रेटर देन वन और इज नल एंट्री या तो खाली हो या एक हजार से बड़ी संख्या की होनी चाहिए लाइक ए क्वेश्चन मार्क एंट्री की की लंबाई कैरेक्टर होनी चाहिए और वो अक्षर ए से स्टार्ट होना चाहिए अगर ऐसा कुछ लिखना है तो उसके लिए ए लिखा और चार यहां पर उसके आगे बनने क्वेश्चन मार्क लगाया तो इसमें बताया कि वैलिडेशन रूल क्या है कि जो भी वैल्यू होगी जो एंट्री होगी वो केवल पांच कैरेक्टर की होगी और उसमें से पहला कैरेक्टर हमेशा ए ही होगा ये इसका रूल बना दिया गया है इसी प्रकार से ये एक रूल दिया गया है इसमें एंट्री 1996 साल की कोई भी तारीख होनी चाहिए उसके लिए कुछ इस प्रकार से आपको वैलिडेशन रूल लगाना है इसके बाद जो दिया है टेक्स्ट प्रॉपर्टी एंट्री कोई खास कस्टमर आईडी की होनी चाहिए उसके लिए देखो डील लुकअप करके यहाँ पर ये वेलिडेशन रूल प्रॉपर्टी चलाई गई है ठीक है तो इस प्रकार से आपको वैलिडेशन रूल यहां पर डिफाइन करने के बारे में भी बताया गया कि किस चीज के लिए किस प्रकार से डिफाइन करना है और दूसरा समझ आपने कि वैलिडेशन रूल होता क्या है

इस हिसाब से आप भी इसको डायग्राम को बनाएं डायग्राम जरूर बना के आए अगर फाइंड रिप्लेस का है, तो ये वाला डायग्राम आप देख पा रहे हैं इसको जरूर बनाएं इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप इसको अपने कॉपी में ड्रॉ कर लें ताकि एग्जाम में आप फाइंड रिप्लेस आता है तो इस डायग्राम को जरूर बना सकें इसी प्रकार से सॉल्ट एंड फिल्टर यह भी आपने एक्सेल में पढ़ा हुआ है एक्सेल में किसी किसी चीज को किसी डेटा को सॉल्ट करना उसको छांटना और फिल्टर करना यह एक ऐसा टूल है जिससे किसी भी डेटा को आसानी से एनालाइज किया जा सकता है उसको अपने हिसाब से सॉर्ट किया जा सकता है चाहे आप किसी डेटा को बढ़ते क्रम में देखना चाहते हो या फिर आप उसको घटते क्रम में देखना चाहते हो तो आप उसे एंड फिल्टर से उसको सेट कर सकते हैं ठीक है ठीके? ये एक्सेस में भी आता है और एक्सेल में भी आता है कॉन्सेप्ट वही चलता है सॉर्ट एंड फिल्टर का आप इसको शॉर्टिंग uh, के लिए काम कर सकते हैं अगला फाइंड uh, जो है फील्ड प्रॉपर्टी है किसी भी फील्ड में रखे जाने वाले डेटा का अधिकतम आकार क्या होगा ध्यान से समझिएगा फील्ड प्रॉपर्टी क्या काम करती है किसी भी, भी फील्ड में रखे जाने वाले डेटा का अधिकतम आकार क्या होगा इसका निर्धारण इस प्रॉपर्टी के द्वारा किया जाता है यह प्रॉपर्टी टेक्स्ट नंबर या ऑटो नंबर डेटा टाइप के लिए उपयोग में लाई जा सकती है उदाहरण के लिए यदि डेटा टाइप टेक्स्ट प्रकार का है तो फील्ड का साइज जीरो से दो सौ पचपन तक हो सकता है डिफॉल्ट स्ट्रिंग पचास है यह फील्ड की प्रॉपर्टी बताता है मतलब कोई भी डेटा टाइप आप लोगे तो उस डेटा टाइप में किस प्रकार की वैल्यू जाने वाली है और उसके अंदर क्या साइज होगा उस वैल्यू का वो कौन डिफाइन कर रहा है फील्ड प्रॉपर्टी डिफाइन कर रही है, है? ठीक अच्छा इसके बाद इंटीग्रिटी एक एट्रीब्यूट के एक सेट की वैल्यू दूसरे रिलेशनल टेबल में एक विशेष एट्रीब्यूट के सेट में भी उपस्थित होनी चाहिए इस कंडीशन में इस कंडीशन को रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कहा जाता है अब मैंने आपको समझाया हुआ था किसके बारे में आ, जो आपका प्राइमरी मेमोरी प्राइमरी की और सेकेंडरी की होती है उसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी जानकारी दी थी प्राइमरी की और सेकेंडरी की या फॉरेन की जिसको हम बोलते हैं उसके बारे में तो यहां पर आप समझेंगे रिफरेंशियल इंटीग्रिटी कॉन्टेस्ट में फॉरेन की के कॉन्सेप्ट से संबंधित है यह रूल वर्णित करता है यदि किसी रिलेशन टेबल में एक फॉरेन की है तो प्रत्येक उस फॉरेन की के प्रत्येक वैल्यू को दूसरी रिलेशन टेबल की प्राइमरी की की वैल्यू से मैच करनी चाहिए तो ये तो सा है कि भाई अगर दो टेबल है जैसे अपन ने फर्स्ट वाली यूनिट में समझा था दो टेबल है दो टेबल में से सेकंड वाली जो टेबल रहेगी उसमें एक फॉरेन की है और फर्स्ट वाली टेबल का जो है उसको प्राइमरी की बनता है तो सेकेंड टेबल के अंतर्गत जो फॉरेन की के अंदर जो रिकॉर्ड होंगे वो प्राइमरी की के अंदर भी रिकॉर्ड होना जरूरी है ये उसका रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कॉन्ट्रेस्ट कहलाता है ठीक है तो ये तो होगा कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चन थे थ्योरी से रिलेटेड अब इसके बाद अगले वीडियो में हम देख लेते हैं पूरा प्रैक्टिकल वाला भाग जिसमें किस प्रकार से टेबल को क्रिएट करना है और बाकी सारी चीजें जिसको आप स्टेप बाय स्टेप भी एग्जाम में लिख सकते हैं